टमाटर लहसुन और आटे से बनी ये पूड़ियाँ अगर आप अपने बच्चों के टिफिन में रखेंगे तो वो अपना लंच बॉक्स जरूर से फिनिश करके आएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड्स एंड फ्लेवर्स। मैं हूँ शिल्पी और आज हम मिलकर बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार पूड़ियाँ सब्जियों से मिला के, टमाटर से मिला के। ज़रूर ट्राई करें एंड आई होप ये आपको बहुत पसंद आए। तो आइए देखते हैं इनको कैसे बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले एक टमाटर का पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज़ के टमाटोज लिए हैं। इसमें हम डाल देंगे अदरक और लहसुन, तो आधा इंची अदरक का टुकड़ा और करीब 7 से 8 लहसुन लिए हैं मैंने। इसमें डाल देंगे थोड़ी सी काली मिर्ची 7 से 8, 1 टीस्पून ज़ीरा। और अब हम इनको पीस के इनका पेस्ट बना लेंगे। और आइए अब हम आटा लगाएंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप गेहूँ का आटा लिया है और ज़रूरत पड़ेगी तो हम और भी आटा ले लेंगे। इसमें डाल देंगे एक छोटी प्याज कटी हुई, इसके साथ ही इसमें डाल देंगे टमाटो का मिक्सचर जो पेस्ट हमने बनाया था। इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, नहीं तो आप हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप लाल मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर डाल देंगे 1/4 कप हरी धनिया, काफ़ी सारा हरा धनिया डलता है इसमें। इसमें डालेंगे अजवाइन करीब 1/2 टीस्पून और हाथ से अच्छे से क्रश करके डालें जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, ये भी हम हाथ से क्रश करके अच्छे से डालेंगे। इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इन सभी को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका एक डो तैयार करेंगे। तो इस डो को तैयार करने में हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ जो हमने प्यूरी बनाई है टमाटो और अदरक लहसुन की उसी से हम डो तैयार कर लेंगे। तो हम यहाँ पर इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डालेंगे जिससे इसमें बहुत ही अच्छा कलर आएगा। तो 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। इन सभी को मिक्स करना है। ये देखिए डो बनकर बिल्कुल तैयार है। ये थोड़ा सा हार्ड डो है, एकदम सॉफ्ट डो नहीं है। और अब हम थोड़ा सा घी अपने हाथों में लेंगे, आप चाहें तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस डो को ऊपर लगा देंगे। तो यहाँ पर हो सकता है आपको 1 कप से ज़्यादा आटा यूज़ करना पड़े, डिपेंड करता है कि आपके टमाटर कितने बड़े साइज़ के थे तो उसकी प्यूरी किस कंसिस्टेंसी की बनती है। तो ये देखिए तैयार है बिल्कुल। हम इसको कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे। तो जब तक हमारा आटा एक सा हो रहा है, मैं यहाँ पर एक चटनी बनाऊँगी इसको खाने के लिए। तो इसमें मैंने 2 टमाटोज़ लिए हैं, 1 हरी मिर्च ली है, थोड़ा सा गार्लिक और थोड़ा सा धनिया। बस इनको हमें कोर्स पीसना है, तो कोर्स पीस के इसकी हम जब तक चटनी तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको पीस लिया है और इसकी चटनी तैयार हो गई है। और आइए अब हम अपना आटा चेक करते हैं। तो हम इसको अपने रोलिंग बोर्ड पर निकाल देंगे। हाथों को हम हल्का सा तेल से ग्रीस करेंगे और इसके जो हैं अब हम इस तरह के पेड़े बना लेंगे। तो ये देखें बिल्कुल तैयार है। तो हम एक पेड़ा ले लेंगे और बाकी के पेड़े हम साइड में रख देंगे। और अब हम इसको रोल करेंगे, तो बहुत पतला ना बहुत मोटा, एक सा रोल करना है। तो अगर आपको थोड़ा बेलने में दिक्कत आए तो आप सूखा आटा यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें बिल्कुल बिल्कुल तैयार है। तो आप इसको छोटा या बड़ा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो आज मैंने इसको थोड़ा बड़ा बेला है और मैं क्या कर रही हूँ, बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो मैं इसको ट्राइंगल शेप दे रही हूँ। तो ये देखें, और आइए हम इनको फ्राई करेंगे। इनको फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर तेल चढ़ाया है, ये मीडियम हाई हीट पर चढ़ाया है मैंने। अब हम इनमें ये डाल देंगे और इनको सेक लेंगे। तो बहुत तेज़ आंच पे ना सेकें, नहीं तो ये जो है ऊपर से बन जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी, क्योंकि हमने थोड़ा सा इनको मोटा रखा है। तो ये फूलेंगी नहीं ज़्यादा, क्योंकि हमने इसमें प्याज और धनिया डाला है, इसकी वजह से ज़्यादा फूलती नहीं है ये। तो ये देखिए सेककर तैयार है। इसी तरह से हम सारी की सारी जो अपनी पूरियाँ हैं वो सेक लेंगे। तो ये देखें बिल्कुल तैयार है। आप इनको रखें बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में या उनको नाश्ते में दें, और मेरी बताई हुई चटनी के साथ खाएं। इसके साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगती हैं, तो ज़रूर ट्राई करें एंड आई होप ये आपको बहुत पसंद आए। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।